हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एट डेसिमल। हाउ टू रेशनल नंबर चेंज इनटू डेसिमल। हम जो है रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हमारे डेसिमल जो होते हैं थ्री टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 0.125, 0.5, 0.2 जो पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं होता है। ऐसे जो हमारे क्वेटेंट होते हैं जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। टर्मिनेट हो गया मतलब समाप्त हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल, इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग भी कहते हैं, यानी कि जो टर्मिनेट ना हो, खत्म ना हो, ठीक है ना। ऐसे डेसिमल जैसे 0.33333, ठीक है, 0.33333, 0.919191 ऐसे कंटिन्यू आता रहेगा आपका, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, आपके रिपीटिंग कहलाते हैं। इसमें जैसे 333 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसमें 919191 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल, इसी को रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तीसरे टाइप होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो तो ना टर्मिनेट होते हैं ना तो रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 0.101001001000 फिर आपका डायरेक्ट 15 है ना, ऐसे आता जाएगा, तो ये आपका नंबर खत्म हो ही नहीं रहा ना, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 33 रिपीट हो रहा था या 9191 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल 0.12012201222, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, ये कोई भी नंबर यानी 120 यहाँ 122 0 फिर 122 0 है, तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। तो इस प्रकार के नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं, यानी कि इनमें रिमाइंडर आपका हमेशा बचा रहेगा, इसमें और इसमें आपका रिमाइंडर बचा रहेगा, पूरा जो है जो है रिमाइंडर कंप्लीट नहीं होगा। इसमें आपका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो आएगा और आपको पेटेंट पूरा फाइंड आउट होगा। तो थ्री टाइप के आप डेसिमल है, आपको ये आपने समझ लिया। अब हम जो है देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा टर्मिनेट डेसिमल है आपका, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन से नंबर हमारे जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में कौन से नंबर आते हैं। तो आप एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं 1 upon 2, ठीक है, 1 upon 2 हमने लिया, तो 1 upon 2 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 1/2। अब हम इसको डिवाइड करना, क्योंकि मतलब 0 टाइम गया और यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, 1 0 बढ़ा लिया, 2 5 10, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 आ गया, पूरा टर्मिनेट हो गया, है ना, 0.5 आ गया। इस प्रकार अगर हम 1 upon 8 ले लें तो ये हमारा 1 upon 2 हमारा क्या हो, टर्मिनेटिंग हो गया। 1 upon 8 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 8 को 1 से डिवाइड करना है, तो 8 0 0, ठीक है ना, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 8 1 जा 8, कैरी आए 2, यहाँ पर माइनस करने पर 2 बचेगा, फिर हम क्यों डेसिमल लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा 16, डिवाइड किया 4 आ गया माइनस करने पर, ठीक है ना, और फिर 0 बढ़ा लिया तो 8 5 जा 14, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये हमारा 1 upon 8 क्या हमने चेंज कर दिया, क्या गया 1 upon 8 = 0.125, 1 upon 8 = क्या हो गया 0.125, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का डेसिमल है आपका, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना, टर्मिनेट हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है ना। तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे जो फ्रैक्शन है तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग के लिए या फिर टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल हो गए। दूसरा हम लेते हैं डिवाइड के लिए, वो यानी कि रिपीटिंग का, रिपीटिंग के एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या है, जैसे माइनस आपका 5 upon 6, ये टर्मिनेटिंग के लिए, रिपीटिंग के लिए है। इसमें आपका क्या होगा, देखिए 5 upon 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 6 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 टाइम गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 8 जा 48, माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, 3 टाइम गया तो कितना आ गया हमारा 18,
फिर सब्सट्रैक्ट किया तो क्या है 2 आया, फिर 0 बढ़ाया फिर 3 टाइम, फिर 18 आया, फिर सब्सट्रैक्ट किया तो फिर 2 आया, फिर 0 बढ़ाया फिर 3 आया, 20 आ गया, ठीक है, 18। तो इसमें हम डिवाइड करते रहते हैं, हर बार क्या रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इस प्रकार का जो हमारा होता है, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, 5/6 इक्वल टू 0.833333 यहाँ पर हमारा 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है आपका रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट में और कर सकते हैं 0.83 बार, ये ऊपर एक लाइन खींच देंगे 3 के ऊपर, ये बताता है कि 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग को ये क्या करता है, शो करता है। और रिपीटिंग का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, -8/11 को 11 से 8 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 0 टाइम गया, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, 8 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, 77, 3 आया, फिर 0 बढ़ाया, 2 टाइम गया, 22 हो गया माइनस करने पर, फिर सब्सट्रैक्ट किया तो 8 आ गया, फिर 0 बढ़ाया फिर 80 बन गया, फिर 7 टाइम जाएगा, ठीक है ना, 77 हो जाएगा, फिर 3 आएगा सब्सट्रैक्ट करने पर, 0 बढ़ाया 2 टाइम तो हमारा 22 आएगा, फिर हमारा 8 आ रहा, तो यानी कि ये 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 7/7 रिपीट हो रहा है, तो माइनस का है, तो -8/11 इक्वल टू -0.7272 ये हमारा क्या 72 रिपीट हो रहा है, इसको हम शॉर्ट में क्या ले सकते हैं 0.72 बार, दोनों के ऊपर लगा देंगे, यानी दोनों के ऊपर लगाने का मतलब है कि ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कैसा हो गया, रिपीटिंग हो गया है, वहां पर तो आपका 3 बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पर आपका 72, इसी प्रकार 1/3 कर लेंगे तो 3 कंटिन्यू आता रहेगा, 1 ठीक है ना, 1/9 कर लेंगे तो 0.9999 आएगा, 1/3 अगर करते हैं तो 1/3 का आता है 0.3333, जब तक डिवाइड करते रहे, 1/9 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.9999 ऐसे आता रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, रिपीटिंग हो गया। अब आते हैं तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरे के लिए नॉन रिपीटिंग के लिए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके लिए एग्जांपल सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपका पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये एक ऐसा नंबर है जो जब नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग डेसिमल है आपका, ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कहा जाता है कि सुपर कंप्यूटर इसको लाखों जो है प्लेस तक है, ठीक है ना, मिलियन प्लेस तक जो है इसको डिवाइड कर चुका है, लेकिन आज तक ये अभी तक क्या हुआ, रिपीट नहीं हुआ है। आप भी 2-4 प्लेस तक कर सकते हैं, इसको हम करते हैं, ठीक है ना, इसको डिवाइड करके देखते हैं 22/7 को, तो 7 से 22/7 को डिवाइड करते हैं, 3 जा 21, सब्सट्रैक्ट किया क्या आ गया हमारा 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, 3 आ गया, फिर 0 बढ़ाया सब्सट्रैक्ट करने पर सीधे 4 टाइम जाएगा तो 28 किया, फिर सब्सट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, 0 बढ़ाया 7 2 जा 14, 6 आ गया सब्सट्रैक्ट करने पर, 0 बढ़ाया, फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे कितने, 7 6 जा 8 जा 56, फिर 4 आ गया, 0 बढ़ाया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमारा जो है इसमें रिमाइंडर बार बार चेंज आ रहा है और नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है आपका एग्जांपल, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है यानी ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और नॉट रिपीटिंग, ना तो इसमें कोई नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप और प्लेस तक देख सकते हैं इसको डिवाइड करके, ये आपका क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। जैसे 35, फिर 5 आएगा, तो आप इसको देख सकते हैं कई प्लेस तक, ये आपका सुपर कंप्यूटर भी इसको अभी जो है मिलियन प्लेस तक इसको डिवाइड कर चुका है और रिपीट नहीं हुआ। तो ये आपका 3 प्रकार के आपके आते हैं, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, दूसरा आपका रिपीटिंग डेसिमल्स, और तीसरा आपका है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो अगर इसके फ्रैक्शन पूछता है तो ये डेसिमल थे, फ्रैक्शन अगर पूछता है तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा, देख लेते हैं,
जैसे 1/2, 1/5, 1/25, ठीक है ना, -9/12। तो ये सभी हमारे क्या है, ईटीसी, ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए, जैसे फ्रैक्शन हो गए, ठीक है ना, रेशनल नंबर हो गए। और दूसरा अगर हम आज देखें तो क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन, हमारा हो जाएगा रिपीटिंग 1/3 है ना, -8/11, 1/6 ईटीसी, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे रिपीटिंग हो गए। और हमने इसमें 22/7 लिया था, तो 22/7 हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गए, डेसिमल नहीं है, ये हमारे क्या है, फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है आपका, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग आपका रेशनल नंबर है, या ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, ये आपका रेशनल नंबर है जो आपका ना तो रिपीट हो रहा है ना तो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो ये इतने सारे हमारे जो एग्जांपल्स मैंने लेकर समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो जो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। धन्यवाद।